Assalamu alaikum. Today we have Dr. Mehreen Yusuf Rana. She is consultant gynecologist and assistant professor in Dr. Ziauddin Hospital. Today we will discuss World Patient Safety Day with Dr. Mehreen Yusuf. Assalamu alaikum. How are you, ma'am? Assalamu alaikum. I'm good. Ma'am, what is World Patient Safety Day and why it is important in our society? On 17 September, WHO celebrates World Patient Safety Day. As you know, patient safety is a global serious public health concern. Let's speak up for patient safety. Around 134 million adverse events occur every year in low and middle income countries due to unsafe practices. And among those, 2.6 million death occurs. That is a big number. And if you see in our hospital admissions, 18% of admissions are associated with adverse outcome, but among those, 80% are preventable. Ma'am, what does Dr. Ziauddin Hospital do for patient safety? Ziauddin Hospital mein hamari clinical practices aur jo hamari hospital policies hain, wo national aur international standards ke mutabik hain. And we believe no one should be harmed while receiving healthcare services. और हमारी प्रायोरिटी है कि हम ब्लेम कल्चर को लर्निंग कल्चर में चेंज करें. जैसे कि आपको पता है, किसी भी सेटअप में ट्रेजेडीज होती हैं, लेकिन उनको रिपीट नहीं होना चाहिए. इसलिए कोई भी अगर एडवर्स इवेंट होता है, हम उसकी इंसिडेंस रिपोर्टिंग करते हैं. किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में तब तक आप सेफ और क्वालिटी केयर नहीं दे सकते जब तक कि हमारे अपने वर्कर्स सेफ नहीं हैं. तो ज़ियाउद्दीन में हमारे जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज, सब फुली वैक्सीनेटेड हैं. COVID-19 ने हमें एक ये बात भी बताई है कि पेशेंट की सेफ्टी में पेशेंट का अपना भी बहुत रोल है, ना सिर्फ अपने आप को सेफ रखने में बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स को सेफ रखने में. और मेरा बिलीव है कि जो ये हम पेशेंट सेफ्टी सेशंस करते हैं, ये सिर्फ टॉकिंग शॉप या जस्ट अवेयरनेस नहीं है. इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. मैम, स्पेसिफिकली डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पेशेंट सेफ्टी डे के लिए क्या करता है? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हम स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं कि हम हेल्थ रिस्क, केमिकल, एनवायरमेंटल, रेडिएशन, इन सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, कंट्रोल कर सकें. और हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है जिसका काम है क्लिनिकल नर्सेज, ओटी स्टाफ, फार्मेसी और लैब वाले जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग की जाए. इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन और कंट्रोल डिपार्टमेंट है हमारा, जो कि रेगुलरली ऑडिट करता है ताकि हम सर्जिकल साइट की जो इन्फेक्शंस हैं उनके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें. इसी तरह जब आप लेबर रूम की बात करें, तो जितने भी हमारे पास लेबरिंग पेशेंट्स आते हैं, हम उनका हेपेटाइटिस बी, सी और कोविड स्क्रीन करते हैं. और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनको इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक प्रॉपर PPEs पहन के डिलीवर कराया जाता है. उन एरिया को प्रॉपर क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन और अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई जाती हैं. फिर जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, नीडल्स को प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं. किसी पेशेंट का अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको कोई मेडिसिन देनी है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो पेशेंट आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह हमारे पास फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है जिसमें फायर फाइटर्स प्रॉपरली ट्रेन हैं और अराउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं. मैम, व्हाट इज दिस ईयर्स थीम? This year, World Patient Safety Day is dedicated to maternal and newborn care. Aim is safe and respectful childbirth. जैसे कि हमें पता है कि हर दिन हम 810 खवातीन को खो देते हैं प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से. और इसी तरह 6,700 newborn हर दिन जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जो कि एक बिग लॉस है और हमारा बहुत दिल दुखता है इस पर. ज़ियाउद्दीन में हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें ताकि जो प्रिवेंटेबल रिस्क और हार्म माँ और बच्चे को हैं इस सारे प्रोसेस के दरमियान, उसको हम टाइमली डिटेक्ट कर सकें और मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि हमारे लेबर रूम में हम एक टीम के तौर पे काम करते हैं. हमारी नर्सेज हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट्स. और हम चाहते हैं हम पेशेंट को काउंसिल करें, एजुकेट करें, उनके साथ हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, उनके साथ डॉक्टर सिंपथी और एम्पथी के साथ पेश आएँ. अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बिलीव करते हैं कि हम दूसरी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व करें और उन चीज़ों को टाइमली डिटेक्ट और मैनेज कर सकें. जिन वजूहात की
बिना पे ख़वातीन ज़्यादातर एक्सपायर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खून का बह जाना, इन्फेक्शन, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर्स हैं, अनसेफ मिसकैरेजेस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इन सब चीज़ों को हम वॉच करें, टाइमली डिटेक्ट और मैनेज करें। हमारा एम है कि एक औरत प्रेगनेंसी से पहले भी सेहतमंद हो और हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं, और जब वो प्रेगनेंसी में हमारे पास आती है तो हम उनके प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स करें, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हम टाइमली डिटेक्ट करें, मैनेज करें, और जब हमारे पास वो डिलीवरी के लिए आती है तो हम स्टरलाइज्ड और सेफ तरीके से उनको डिलीवर कराएं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको माँ के साथ लगाते हैं, जिसको स्किन टू स्किन केयर कहते हैं, और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट किया जाता है, और पोस्टपार्टम पेशेंट्स को प्रॉपर केयर दी जाती है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन एक्सप्लेन की जाती है, तो इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर।